पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बहुत सारे बातें पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण जो तीन होता है, समतल, उत्तल और अवतल, इसका उपयोग पूरा डीप में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ आपको फोटो भी दिखवाएंगे कि आखिर किस प्रकार से होता है। बहुत ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसको हम फोटो भी दिखवाएंगे और साथ ही बताएंगे कि क्यों आखिरकार उसमें ही उस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बारी बारी से हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग। देखिए, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में होता है, चेहरा देखने में हर कोई करता है। शोरूम, आप किसी भी चीज़ का शोरूम में चल जाइए, वहाँ समतल दर्पण ही लगा होता है, क्योंकि जब दूसरा दर्पण लगाएगा ना तो बड़ा छोटा दिखना, तो समतल दर्पण में बराबर चेहरा दिखता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम लोग शोरूम में समतल दर्पण लगाते हैं अनेक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। देखिए, पिछला वीडियो हम बताए थे कि दो समतल दर्पण के बीच बहुत सारा प्रतिबिंब बन सकता है, यदि उनके बीच कोण थीटा हो तो 360 बटा थीटा होता है। हमने बताया था आपके प्रतिबिंबों की संख्या, तो बहुत सारा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि एक वस्तु का कई प्रतिबिंब बन रहा है, तो अनेक प्रतिबिंब प्राप्त करना, तो हम लोग ही समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अगला होगा परिदर्शी यानी पेरियस्कोप। ये क्या होता है? देखिए, पनडुब्बी पानी के अंदर रहता है और ऊपर एक थोथड़ी निकाल देता है और वही परिदर्शी होता है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। उससे क्या होता है, बाहर से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो परिदर्शी कुल मिलाकर के ऐसा होता है, इस तरह से परिदर्शी होता है, ऐसे रहता है। यहां पर समतल दर्पण लगा रहता है और यानी कोई भी वस्तु रहता है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आता है, फिर इससे टकरा के प्रतिबिंब यहाँ आता है और यहाँ भी समतल दर्पण लगा रहता है और फिर इसे प्रतिबिंब यहाँ कोई व्यक्ति देख लेता है और ये 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। कितना डिग्री कोण पर? 45 डिग्री के, यानी परिदर्शी में समतल दर्पण लगाता है और उसमें 45 डिग्री कोण पर झुका रहता है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं 5 बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलेडोस्कोप। ये क्या होता है? देखिए, अनेक अनेक प्रकार का डिजाइन प्राप्त करना होता है तो बहुमूर्तिदर्शी से होता है। बहुमूर्तिदर्शी वैसा यंत्र होता है जिसमें हम लोग को डिजाइन पता करते हैं, आपको फोटो में दिख रहा होगा, डिजाइन भी दिख रहा होगा और बहुमूर्तिदर्शी यंत्र है वो भी आपको दिख रहा होगा। तो इसका उपयोग अनेक प्रकार के डिजाइनों को देखने में किया जाता है। आप उसको देखिएगा ना तो आपको डिजाइन दिखाई देगा और वो डिजाइन आप किसी पर भी, साड़ी पे, कंबल पे, किसी पर भी उतार सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं। अगला हो गया बराबर तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने में। अगर आपको बराबर प्राप्त करना चाहते हैं और सीधा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में ही बनेगा और कोई दर्पण में बराबर और सीधा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। क्या आपको समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उत्तल में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए, उत्तल दर्पण को बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के पूछता है। दीर्घ दृष्टि क्षेत्र में, मतलब छोटा सा दर्पण रहेगा और इसमें बहुत दीर्घ मतलब बड़ा, दृष्टि मतलब देखने वाला क्षेत्र, मतलब क्षेत्र कि बड़ा क्षेत्र को आपको अगर देखना है एक छोटा सा मतलब दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण छोटा रहेगा और पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र को आपको दिखाई देगा, इसीलिए इसका गाड़ी के साइड मिरर में लगाया जाता है, क्योंकि साइड मिरर में लगाने से होता क्या है, दर्पण छोटा रहता है और पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र को देखता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो बात समझ गए, चालक के सामने, जैसे आप बस में ट्रेवल करते होंगे तो ड्राइवर को पीछे देखना होता कि सवारी को कहाँ उतरना है, तो सवारी जब सीट से थोड़ा सा आगे तो उसको पकड़ के चढ़ना है, तो देखेगा पीछे मुड़ के थोड़ी ना, तो वहाँ पर दर्पण लगा रहता है उत्तल दर्पण, उसी में पूरा सवारी पीछे देख लेता है, मतलब तो एक दर्पण में पूरा का पूरा देख लेता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पूरा मुहल्ला उहल्ला सब आ जाता है यार, इतना पावरफुल दर्पण होता है। ठीक है, तो चालक के सामने भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ड्राइवर के सामने। रोड लाइट, जैसे आप लोग शहर में जाते होंगे तो रोड पर बहुत सारा लाइट बिछा होता है कुछ इस प्रकार का, क्या होता है, यहां पर उत्तल दर्पण लगा रहता है, यहां पर एक लाइट लगा रहता है, अभी लाइट्स पर जब जलता है ना तो पूरा फैल जाता है, इसको फैलाना होता है और ऊपर से क्या होता है कि एक प्लास्टिक नुमा ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो रोड लाइट में भी यानी स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग है, तो उसको फैलाना होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। काल्पनिक एवं छोटा, देखिए इसके पीछे ये भी रीजन है कि छोटे छोटे प्रतिबिंब बना के दिखाता है, इसी के वजह से ही गाड़ी के साइड में लगाता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग उन दोनों दर्पण से ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसको गौर से देखना है।
देखिए सबसे पहले हजामती दर्पण यानी सेविंग करने में, जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए जब सैलून में जाते हैं तो वहाँ अवतल दर्पण लगा होता है, लेकिन अवतल दर्पण महंगा होने के कारण लोग खरीदते नहीं और समतल दर्पण लगाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जब दाढ़ी बनाते वक्त फेस पे कुछ फूसरी रहेगा, जख्म रहेगा, तो कटने का डर होता है ब्लेड से, तो बड़ा जब बनेगा तो जाहिर सी बात हो ठाकुर को दिख जाएगा, जब दिख जाएगा तो कटने से बच जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया था हजामती दर्पण में। लोग समतल लगा देता है एक अलग बात है। सोलर कुकर, देखिए आपने सोलर कुकर के बारे में नाम सुने होंगे, सोलर कुकर मतलब सूर्य से प्रकाश आता है और उसमें खाना बनता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण क्या होता है कि जब अवतल दर्पण जो रहता है ना उसे जब प्रकाश किरण जाता है तो एक जगह पर फोकसित करता है, जिसके कारण सोलर कुकर में अवतल दर्पण का लगा रहता है। ठीक है, सोलर भट्टी, सोलर का जहाँ भट्टी होता है वहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक समझ गए। गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में, देखिए अवतल दर्पण ऐसा होता है और इसके बीच में एक यहाँ पर बल्ब लगा होता है, और ये बल्ब जब जलता है तो जलने के बाद इसे टकराएगा दर्पण से, और दर्पण से टकराने पर सब प्रकाश को एकदम सीधे निकालेगी, और सीधे निकलता तो बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो गाड़ी के जो हेडलाइट होता है, अग्रदीप होता, वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गया आप। उसके बाद हम लोग समझते हैं अगला, डॉक्टरी इलाज में, जब मुंह में दांत खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है अंदर, तो लोग डॉक्टर क्या करता है कि अवतल दर्पण लगा के देखता है, उससे क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब तो तभी हजामती दर्पण में, उस तरह से डॉक्टर भी जब बड़ा अंदर अंदर क्या दिखता नहीं है तो अवतल दर्पण लगा लेता है और उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो डॉक्टरी इलाज में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट, देखिए जब लोग समुद्र में गोताखोर लोग जाते हैं ना, जंगल में कुछ खोजने जाते हैं सर्च करने के लिए, तो उन लोग को भी सर्च जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, हालांकि सब में ही अवतल दर्पण होता है, जैसे कोई भी टॉर्च ले लीजिए उसमें भी अवतल दर्पण, अब टॉर्च को खोलिएगा ना तो आपको धंसा हुआ सा दिखाई देगा, वो अवतल दर्पण जैसा रहता है, प्लास्टिक का रहता है लेकिन धसल रहता है, उठल मतलब उतल दर्पण और धसल मतलब अवतल दर्पण, आप पढ़े हैं। तो टॉर्च में भी और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण, प्रज्वलक के लिए, प्रज्वलक के लिए जैसे आप कागज को लहराए होंगे तो उसके लिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण धसल रहता है, इसमें से यार जो सोलर कुकर में सिद्धांत है वही सिद्धांत प्रज्वलक के लिए है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा प्रकाश किरण को एक जगह फोकसित करता है, तो प्रज्वलक के लिए नहीं, जलाने के लिए कागज को जब अवतल दर्पण लगाते हैं तो इसमें बहुत सारा प्रकाश किरण टकराती है और टकराने के बाद एक जगह फोकसित होती है, जिससे क्या होता है कि कागज जलने लगती है, यानी जलाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, हम लोग तीनों दर्पण का उपयोग पढ़ लिया अच्छे से, आपको फोटो भी सबका दिखा दिए, उम्मीद करते हैं कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा दर्पण का उपयोग, कोई भी पूछ देगा तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।